नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्विक सपोर्ट में, जहां पर आपको मिलती है नई नई जानकारियां जो कि आपकी हेल्प करती है आगे ग्रो करने में, चीजों को समझने में और सही डिसीजन लेने में। तो आइए जानते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में आप पूरी डिटेलिंग में जानने वाले हैं, क्योंकि जो आज का टाइम है ये है टेक्नोलॉजी का टाइम। मतलब काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया आता ही जा रहा है। तो आपको एक से बढ़कर एक कंप्यूटर सिस्टम मार्केट में मिलते हैं। अगर आप कोई नया कंप्यूटर या लैपटॉप लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हाई ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप सिंपल यानी कि नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरिजन में थोड़े महंगे होते हैं। हालांकि ग्राफिक्स तो सभी कंप्यूटर और लैपटॉप्स में आते ही है, लेकिन इसमें ना मेमोरी का डिफरेंस आ जाता है। अगर आप साधारण ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हैं तो आपको लैपटॉप सस्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 2GB मेमोरी या इससे ज्यादा वाले ग्राफिक्स कार्ड के साथ लैपटॉप खरीदते हैं तो आपको लैपटॉप महंगा मिलेगा। तो आप इस महंगाई की वजह जानना चाहते होंगे कि आखिर हाई ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप या कंप्यूटर महंगे क्यों होते हैं और ग्राफिक कार्ड का लैपटॉप में क्या काम होता है कि इतना महंगा होता है। तो आज के हमारे चैनल के इस वीडियो के जरिए आपको ग्राफिक कार्ड क्या है और इसका कंप्यूटर में एग्जैक्टली क्या काम है, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ग्राफिक कार्ड एग्जैक्टली क्या होता है। ग्राफिक कार्ड ना बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड या हार्डवेयर कॉम्पोनेंट होता है, जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अलावा स्मार्टफोन में भी ये होता है। कंपनी की तरफ से लैपटॉप या कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इन बिल्ट ये कार्ड आपको मिल जाता है। अगर आप चाहे तो बाजार से लाकर के एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड भी अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं। हालांकि स्मार्टफोन में ग्राफिक कार्ड नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि स्मार्टफोन में अलग से कार्ड लगाने के लिए स्लॉट नहीं दिया जाता, लेकिन कंप्यूटर में ये काम काफी आसान है। जी हाँ, क्योंकि कंप्यूटर या लैपटॉप में इसके लिए स्लॉट दिए जाते हैं जिसमें आप अपने हिसाब से ग्राफिक कार्ड्स लगवा सकते हैं। तो ये तो आपको पता लगा कि एग्जैक्टली ग्राफिक कार्ड होता क्या है। अब ये जानते हैं कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि आजकल किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में हाई ग्राफिक कार्ड होना काफी जरूरी हो गया है, क्योंकि सभी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में गेमिंग या प्रोसेसिंग का काम करना चाहते हैं और इसके लिए इस कार्ड का होना सबसे जरूरी है। अगर आपको गेमिंग का बहुत शौक है, इसके अलावा आप अपने लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग के बड़े सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं या फिर कोई VFX इफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड का होना बहुत जरूरी है। आपको वैसे पता ही होगा कि ग्राफिक कार्ड हर कंप्यूटर या लैपटॉप में होता है, लेकिन वो नॉर्मल ग्राफिक कार्ड होते हैं जो किसी वीडियो को अच्छे से चला सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल ग्राफिक कार्ड में एडिटिंग के बड़े सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते। जी हाँ, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि बड़े सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे ही नहीं। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो भी जाता है तो आपका लैपटॉप हैंग होने लग जाएगा, मतलब ये कि उसमें नॉर्मल ग्राफिक कार्ड है। तो जब आपके लैपटॉप में हाई ग्राफिक्स कार्ड होते हैं तो उसका काम बड़े सॉफ्टवेयर को अच्छे से रन कराना होता है। चूंकि बड़े ग्राफिक कार्ड में मेमोरी होती है, इसीलिए इसका प्रयोग करने पर आपके लैपटॉप की रैम फ्री हो जाती है। इस तरह से आपका लैपटॉप अच्छे से काम करता है। आम भाषा में कहे तो ग्राफिक्स कार्ड का काम कंप्यूटर में चल रहे वीडियो, गेम और एडिटिंग सॉफ्टवेयर को और भी अच्छे तरीके से चलाना होता है। तो अब आप जान गए होंगे कि ग्राफिक कार्ड क्या है और ये ग्राफिक कार्ड किस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि बिना ग्राफिक्स कार्ड के लैपटॉप में गेम चलाना एक्चुअली काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपका गेम बार बार हैंग हो रहा है, ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका ग्राफिक कार्ड नॉर्मल ग्राफिक कार्ड है। तो उम्मीद करते हैं कि ग्राफिक कार्ड के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। वैसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे कौन कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें जरूर बताइए। तो इसी के साथ ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मुलाकात होगी आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।